राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है तक्षशिला इल्म्स की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जाने वाला हूं ये शानदार और लग्जरी विला, जिसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूं, मानस हॉस्पिटल से मात्र 500 मीटर की दूरी पे ये विला आपके पास होने वाला है, जिसका डायमेंशन 19x75 का होने वाला है, 19x75 का इसका डायमेंशन रहेगा। साइज की बात करूं तो 158.46 गज का ये आपका विला रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो लेट्स स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास रहने वाली है टोटल 4 यूनिट्स, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटली 4 विला रहेंगे आपके 158 गज के। उससे पहले एक बार आप प्रॉपर एलिवेशन देख लीजिए कि चारों का कितना अच्छा एलिवेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, प्लस आप बालकनी की साइज़ भी बाहर से देखेंगे तो कितनी अच्छी यहाँ पर आपको बालकनी मिल रही है। उसके अलावा फ्रंट में देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पर आपके पास स्टोन्स लगा के दिए गए हैं और प्रॉपरली यहाँ पे आपको अच्छे गेट्स की डिज़ाइन भी बना के दी गई है। आज जो अपन विला देखेंगे वो ये वाला विला रहने वाला है, जो कि आपका कंप्लीट सैम्पल विला रहेगा। जो आप देखेंगे वैसा ही आपको विला मिलेगा कंप्लीट फर्निशिंग के साथ। तो आइए विला के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ये डबल गेट आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं गेट की कितनी अच्छी तरीके से प्रॉपर डिज़ाइनिंग की हुई है। उसके साथ ही अंदर चलते हुए यहाँ पे आपके पास अपनी एक छोटी गाड़ी की पार्किंग प्लस एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग आ जाएगी। पार्किंग का साइज़ एक बार आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका वाटर का टैंक और साथ में साइड में दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास ग्रीनरी। एक बार आप प्रॉपर विला की एंट्रेंस देख लीजिए कि यहाँ पर कितनी अच्छे तरीके से टेक्सचर्ड पेंट किया हुआ है, फिर अपन चलते हैं विला के अंदर। विला के अंदर एंटर होते ही यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आपकी एंट्रेंस आ जाएगी और ऊपर आ गया आपका मंदिर। उससे पहले यहाँ आ जाएगा आपका जाली का गेट। एंटर होते ही यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड गेट और यहाँ आ जाएगा आपका फर्स्ट लिविंग एरिया। लिविंग एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे साइज का यहाँ पे लिविंग एरिया है, जिसमें प्रॉपर यहाँ पे आपको सोफा दिया गया है। उसी के अलावा आप ऊपर प्रॉपर फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इंटीरियर को कॉम्प्लीमेंट करती हुई यहाँ पे आपके पास फॉल सीलिंग मिल रही है। अब अपन अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया आपका लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया, जी सेकंड लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया आ गया यहाँ पे, और उसी के साथ साथ आ गई यहाँ पे आपके पास 55 इंचेस की आपकी LED। लिविंग एरिया के साथ साथ ही आ गया यहाँ पे आपका पाउडर वॉशरूम, जिसमें यहाँ पे आ गया आपका वॉश बेसन और यहाँ आ गया आपका कंप्लीट लेट बाथ। लेट बाथ की साइज भी आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तरीके से दी हुई है। उसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका एल शेप का सोफा एंड 4 सीटर की डाइनिंग, जो कि आप देख सकते हैं आपकी डबल हाइटेड रहेगी प्रॉपरली, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से शैंडलियर लगाया हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने। अब चलते हैं हार्ट ऑफ द होम, जो होता है किचन। तो किचन में एंटर करते ही यहाँ पे आपके पास प्रॉपर एल शेप का पूरा काउंटर आ जाएगा विद हॉपटॉप, चिमनी, माइक्रोवेव एंड अपर कैबिनेट्स के साथ साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा आपका रेफ्रिजरेटर। उसी के अलावा यहाँ पे आपके पास रहेगा RO प्लस गीजर। अब चलते हैं इसके रूम नंबर फर्स्ट की तरफ। तो रूम नंबर फर्स्ट में अपन एंटर होते हैं, तो एंटर होते से सबसे पहले आ जाता है आपका लेट बाथ। प्रॉपर लेट बाथ दिया गया है आपको, उसी के साथ साथ यहां पे आपको दिया हुआ है शावर क्यूबिकल।
उसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉश बेसन और यहाँ पे आ जाएगी आपकी WC। फिटिंग्स जो है सारी आपकी जैगवार की है, सारी जो सैनिटरी फिटिंग्स है और CP फिटिंग्स है वो कंप्लीट आपको वारंटी के साथ मिलेगी। अब आपको रूम के अंदर का दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे आपका TV पैनल, जो कि आराम से 55 इंच की LED आपकी यहाँ पे आ सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आ गई आपकी डबल हाइटेड की पूरी वार्डरोब, जो कि आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हाइट में आपकी वार्डरोब जा रही है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया और उसके अलावा ऊपर आपके पास स्टोरेज आ जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्टडी टेबल या वर्क फ्रॉम होम की टेबल, और पीछे आ जाएगा आपका वेंटिलेशन एरिया। वेंटिलेशन एरिया आप प्रॉपरली देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा स्पेशियस वेंटिलेशन एरिया रहेगा विद वॉशिंग एरिया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक छोटा सा स्टोर। अब देख लीजिए आप इसका बेड प्लस बेड बैक, जो कि कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे 6x6 का आपको यहाँ पे प्रॉपर बेड मिल रहा है विद साइड टेबल्स। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बार इसका पूरा स्टेयर्स वर्क दिखाना चाहूँगा कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टेयर्स वर्क हुआ हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये पूरा टफन ग्लास आपको मिलेगा वुडन रेलिंग के साथ अटैच्ड, और यहाँ पे आपको मिलेगा आपका ब्लैक मार्बल प्लस वाइट टाइल्स के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट करती हुई ये पूरी हो गई आपकी स्टेयर्स। और स्टेयर्स में भी यहाँ पे आपके पास रहेगी पूरी लाइटिंग। अब अपन आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले आप इसका लिविंग एरिया देख लीजिए, जहाँ पे आपके पास सिटिंग के लिए चेयर्स विद टेबल मिलेगी, और यहाँ पे रहेगा आपका घर का मंदिर। मंदिर के आप प्रॉपर डिज़ाइन देख सकते हैं, तो यहाँ पे कितनी अच्छी डिज़ाइन दी गई है। अब चलते हैं इसके रूम नंबर सेकेंड की तरफ। उसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले तो ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ आ जाएगा इसका लेट बाथ विद शावर क्यूबिकल। अब आप रूम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट बेड का सेटअप रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी पूरी हाइटेड वार्डरोब्स, और यहाँ हो जाएगी आपकी LED पैनल। सबसे अच्छी इस विला की बात यह कि यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा आपको। प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन आपको इस विला में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी कितनी अच्छी लाइट्स यहाँ पे रह रही है। लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे आपकी लाइट रहेगी। उसके अलावा आप एक बार बालकनी का प्रॉपर साइज़ देख सकते हैं, तो कितना अच्छा यहाँ पे आपको बालकनी का साइज़ मिल रहा है। प्लस थोड़ा सा आपको स्पेसिफाइड कर दूँ UPVC के बारे में, तो यहाँ पे आपको डबल UPVC मिल रहा है विद मॉस्किटो ट्रैक। अब अपन चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ आ जाएगा इसका थर्ड बेडरूम। विला में स्पेस की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। एक बार आपको फिर से मैं डायमेंशन और साइज बता देता हूँ, तो 158 स्क्वायर यार्ड्स का ये विला रहेगा, 19x75 इसकी डायमेंशन है। और प्राइस की बात करूँ तो 1,91,00,000 रुपीज़ का ये विला रहेगा। आइए इसके थर्ड रूम की तरफ अपन चलते हैं। तो ये इसका थर्ड रूम आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बेड बैक पैनलिंग की हुई है, प्लस 6x6 का यहाँ पे आपका बेड आ गया। उसके अलावा यहाँ आ जाएगा आपका LED पैनल। अब चलते हैं इसके ड्रेसिंग एरिया में। तो यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया, जिसमें आपकी फुल हाइट की वार्डरोब्स हो गई, और यहाँ आ गया आपका लेट बाथ। विला में एक एक जगह पे एक एक कॉर्नर पे पर्टिकुलरली फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है, साथ ही में यहाँ पे आ जाएगा इसका वेंटिलेशन एरिया। अब चलते हैं इसके रूफटॉप टेरिस गार्डन पे, जो कि आपका सेकेंड फ्लोर रहेगा। उससे पहले एक बार अब यहाँ पे ऊपर देखिए तो कितना अच्छा और प्रॉपर लुक यहाँ पे दिया हुआ है।
पर्टिकुलरली आप देखें तो यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे वॉलपेपर लगाया हुआ है, प्लस लाइटिंग की हुई है, और यहाँ पे आपका पूरा शैंडलियर रहेगा। अब यह आ गया आपका सेकंड फ्लोर, और आपका टेरेस भी आ चुका है। यहाँ पे पूरा आपका ओपन स्पेस रहेगा, इधर रहेगा आपका टेरेस गार्डन जहाँ पे आपकी कॉफी टेबल और चेयर्स लगाई गई है, प्लस साथ ही में यहाँ पे पास आपके पास रहेगा झूला। एक बार आपको पूरा विला की डिटेल्स बता देता हूँ। मानस हॉस्पिटल से मात्र 500 मीटर की दूरी पे यह विला रहेगा। 158 गज का यह विला रहेगा। साइज इसका है 19x75। प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,91,00,000 रुपीज इसकी प्राइस रहेगी। और डिटेल जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।